अफगान तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर अमरीका से मुज़ाकरात के लिए कतर पहुंच गए। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान का वफ्द आज अमन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की यूरोप अरब लीग इजलास की साइड लाइन पर गुफ्तगु। कहते हैं मशरिक वस्ता के इस्तेहकाम के लिए मसला फलस्तीन का हल इंतहाई अहम है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मसला फलस्तीन के लिए यूरोपी काविशों को भी सराहा। भारत का खतरनाक खेल, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की जान को शदीद खतरा। हुर्रियत रहनुमा शब्बीर शाह पर तिहाड़ जेल में हमले की इत्तला। पाकिस्तान का कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की सलामती को दरपेश खतरात पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। भारत शब्बीर शाह का तहफ्फुज़ यकीनी बनाए, पाकिस्तान का मुतालबा। उधर मकबूजा वादी में नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत सैकड़ों कश्मीरियों को हिरासत में लेकर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के बढ़ते वहशियाना मजालिम। ओआईसी राबता ग्रुप का हंगामी इजलास 26 फरवरी को जद्दा में तलब। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाया गया। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द, तंजीम के नुमाइंदे और रुकन ममालिक के मुस्तकिल मंदोबीन शिरकत करेंगे। पुलवामा हमले की आड़ में भारत मकबूजा कश्मीर के खिलाफ गहरी साजिश में मसरूफ। भारतीय आइन में मकबूजा कश्मीर पर शेख 35A को हजफ करने के लिए दरख्वास्त पर पाकिस्तान का रद्द अमल। शेख 35A को हजफ करने से गैर कश्मीरियों को अराजी खरीदने का अख्तियार मिल जाएगा। ऐसा कोई भी इकदाम आलमी कानून से मुकम्मल इन्हराफ होगा। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय टीवी एंकर को चुप करा दिया। इंटरव्यू के दौरान कहा, पाकिस्तान से बात करना पड़ेगी, वो दुनिया में तन्हा नहीं बल्कि भारत तन्हा हो रहा है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं छेड़ सकते। भारत के सियासी रहनुमा असदुद्दीन अवैसी की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं हुकूमत कश्मीर में अपने चार्टर ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ काम कर रही है। भारतीय हुकूमत के पास कश्मीरियों को देने के लिए कोई पॉलिसी नहीं। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। अपने फराइज की हम वक्त अंजाम दही के लिए तैयार पाक फौज की कमान पर फख्र है। धरती के दिफा से बढ़कर कोई चीज मुकद्दस नहीं। सिपा सालार का सियालकोट वर्किंग बाउंड्री का दौरा। आर्मी चीफ ने सिपा के बुलंद जज्बे और पेशा वाराना तैयारियों को सराहा। जंग कोई पिकनिक नहीं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से मुतालिक अपने ऐलानात और बयानात पर गौर करें। भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबरा AS दौलत की मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहते हैं मुंबई हमले के बाद भी जंग का शोर मचाया गया, उस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने अपने चुनाव के लिए सारी दुनिया को तनाव पे लगा दिया है। हम जंग नहीं कह चाहते, लेकिन अगर ये जंग मसलत की गई तो ये आखिरी जंग होगी। चुनाव के लिए मोदी सरकार ने पूरे खित्ते में जंग की कैफियत पैदा कर दी। शेख रशीद कहते हैं जंग नहीं चाहते, मसलत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे, अम की पॉलिसी को कमजोरी ना समझा जाए।
ढाका से दुबई जाने वाले मुसाफिर तैयारे को हाईजैक करने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से हाईजैकर हलाक। अमले और 148 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तैयारे ने चिटागोंग में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। एमडीपी टीवी अरशद खान की तैनाती पर दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने। फवाद चौधरी और नईम उल हक ट्विटर पर शुरू होने वाले मुहास के बाद अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। वजीर इत्तला की इस्तीफे की खबरों की तरदीद, कहते हैं टीम बनाना वजीर आजम का काम है। वजीर आजम से मुलाकात करके मौकिफ से आगाह करेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मौतल होगी या नहीं? नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। सानिहा मॉडल टाउन, नई जेआईटी की तहकीकात जारी। जेआईटी ने मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं को एक बार फिर तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, चौधरी निसार को आज पेश होने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आबिद शेर अली, राणा सनाउल्ला की भी तलबी। सियासी शख्सियात की मुसलसल अदम पेशी के बायस रिपोर्ट मुकम्मल न हो सकी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं अमान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदी। बुलेटिन में बात करेंगे सिफारती महाज पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का एक और छक्का, भारत को खामोश करवा दिया। और मैं हूं आपके साथ तंजिला इरफान। तफसीली खबरों का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि अफगान तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरदर अमरीका से मुजाकरात के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंच गए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की सरबराही में अफगान तालिबान का वफद आज अमन मुजाकरात में शिरकत करेगा। नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मी खलीलजाद अमरीकी वफद की नुमाइंदगी करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अफगान तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरदर अमरीका से मुजाकरात के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंच चुके हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की सरबराही में अफगान तालिबान का वफद आज अमन मुजाकरात में शिरकत करेगा, जबकि नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मी खलीलजाद अमरीकी वफद की नुमाइंदगी करेंगे। एक और अहम खबर शामिल करेंगे, मशरिक वुस्ता के इस्तेहकाम के लिए मसला फलस्तीन का हल इंतहाई अहम है। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की यूरोप अरब लीग इजलास की साइड लाइन पर गुफ्तगू। कहा मसला फलस्तीन का हल यूरोप समेत पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मसला फलस्तीन के लिए यूरोपी काविशों को भी सराहा है। अहम खबर सामने आई है, मसला फलस्तीन के हवाले से बात की है साइड लाइन पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने और कहा है कि यूरोप की काविशों को वो खूब सराहते हैं और इस हवाले से मजीद भी बात की गई। और नाजरीन, बदले की आग में जल रही मोदी सरकार ने मकबूजा वादी के चप्पे चप्पे पर फौजी बिठा दिए। हुर्रियत पसंदों के खौफ से भारतीय अफवाज ने पूरी वादी में कर्फ्यू है। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर जिला कुलगाम में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। यासीन मलिक समेत 200 से ज्यादा कश्मीरी पाबंदे सलासल हैं। पुलवामा वाकये के बाद मोदी की जानिब से फ्री हैंड दिए जाने के बाद भारतीय फोर्सेस के मजालिम मजीद बढ़ गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला कलगाम के इलाके तरीगाम का मुहासरा किया और नाम निहाद ऑपरेशन करते हुए कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। वाकये के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर आ गए और आजादी के हक और भारत मुखालिफ नारे लगाए। इसी इलाके में एक और हमले में DSP हलाक और भारतीय फौज का मेजर जख्मी हो गया। जान मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, दिल दिल, जान जान। दूसरे जवान मकबूजा वादी में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत सैकड़ों कश्मीरियों की हिरासत के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। तमाम कारोबारी मराकज बंद, सड़कें सुनसान रहीं, वादी भर में दफा 144 भी नाफिज रही।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से आर्टिकल 35A से मुतालिक समाप्त होने जा रही है, जिसके खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। वादी भर में खौफ हरास का माहौल है और घबराहट में लोग खुराक और ईंधन की जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से आर्टिकल 35A से मुतालिक समाअत होगी, जिसके खिलाफ हुर्रियत क़यादत ने शटडाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। रहनुमाओं का कहना था, अगर कश्मीर की खुसूसी हैसियत के इस कानून से छेड़छाड़ की गई तो मज़ाहमत की नई लहर जन्म लेगी।